जी, ये खाराधर में मैं मौजूद हूँ और खाराधर में मैं आया हूँ यहाँ पर पाव भाजी का देखने के लिए कि क्या सूरत हाल है पाव भाजी की तलाश में। और पाव भाजी हमें यहाँ पर मिल भी गई है और अभी ये सामने जो है वो चिली फ्राई ये माशाल्लाह बड़ा मशहूर हुआ है इस वक्त फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया पे लावा पिज़्ज़ा के नाम से। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या सूरत हाल है, फिर बताते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई पाव भाजी पे और खाराधर में मौजूद है मुंबई पाव भाजी। इस वक्त मैं मेरे साथ हैं इरफान साहब जो कि मुंबई पाव भाजी के ओनर हैं। तो बहुत ही कम वक्त में माशाल्लाह बहुत ही मशहूर हो गई ये शॉप और लोग जो हैं जॉग दर जॉग यहाँ पर आ रहे हैं, फैमिलीज बैठी हुई है और तनावुल फरमा रही है। तो इतने कम अरसे में इरफान साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा कि माशाल्लाह इतने कम अरसे में आपने इतनी मशहूरी हासिल कर ली, तो इसके पीछे क्या राज है? थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि बंदा एक अच्छी चीज़ मिलती है खाने को तो फिर दोबारा लोग आते हैं, तो इस तरह की आपकी क्या ख़ास बात है कि लोग आप मशहूर भी ज़्यादा हो गए मीडिया के ऊपर और माशाल्लाह लोग आ भी रहे हैं, लोगों का रुझू भी है, थोड़ा सा बताइएगा। सर जी, ये तो अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि अल्लाह पाक ने इतना हमें फेमस कर दिया। और दूसरी बात यह है कि एक यूनिक चीज़ है, एक नई चीज़ है और ये 8 से 10 किस्म की मिक्स सब्ज़ी होती है, देसी मक्खन में बनती है, मसाला इसका स्पेशल होता है और साफ़ सुथरे तरीके से हम बना कर लेकर आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो भी आता है कस्टमर तारीफ़ ही करके जाता है, रिपीट भी आता है, दूसरे अपने जानने वालों को भी लेकर आता है, बेचता है यहाँ पर। तो इरफान साहब, हम लोग ज़रा ट्राई करेंगे और आपके पाव भाजी का रिव्यू भी इंशाल्लाह ताला देंगे। बिल्कुल, और अपने ऑडियंस को बताएंगे कि किस तरह का ये पाव भाजी है और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और पाव भाजी ट्राई करें। ठीक, आइए देखते हैं ना। ठीक। अच्छा तो जनाब, ये पाव भाजी जो है वो आ गई है और आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त किस्म की थाली इन्होंने तैयार की है। इसमें एक तरफ जो है ग्रीन चटनी है और इनकी ख़ास किस्म की जो सब्ज़ी है, इसमें 8-10 किस्म की सब्ज़ियाँ होती हैं, ये है, उसके ऊपर धनिया माशाल्लाह इन्होंने छिड़का हुआ है, मक्खन है थोड़ा सा डाला हुआ और ये जो है लीमू, लीमू भी निचोड़ने के लिए इन्होंने इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, प्याज है और ये बन है सिके हुए, दोनों तरफ से सिके हुए बन है। तो ये भी चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। समझ लें इतनी दूर से हम 23-24 किलोमीटर से हम यहाँ पर आए हैं, बड़ी मुश्किल से हमें ये जगह मिली है। गाड़ी हमने तकरीबन 2 किलोमीटर दूर खड़ी की है, हमें नहीं अंदाज़ा था कि पाव भाजी यहाँ पर होगी और यहाँ पर हम पहुँचे हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट वॉक करने के बाद और ये जो मेहनत है उसका फल हमें मिल गया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये पाव भाजी है। आई रिकमेंड, प्लीज़ कम हेयर एंड ट्राई इट, बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि ये रौनक का बाइस भी होते हैं और कराची जैसा शहर जिसको रोशनी का शहर भी कहते हैं, एक तरह से लोगों को मौका मिलता है कि वो थोड़ा सा फैमिली के साथ बाहर निकलें और जाकर इंजॉय करें। अच्छी चीज़ है, न्यू इंट्रोडक्शन है और इस ढाबे के अंदर इन्होंने जो है वो हाजी अली के मज़ार की तस्वीर भी लगाई हुई है, मुंबई ताजमहल के भी, ताजमहल होटल की भी तस्वीर लगाई हुई है और दीगर जो गेट ऑफ द दिल्ली उसकी तस्वीर लगाई हुई है। एनवायरनमेंट जो है वो कुछ इस तरह का बनाया हुआ है कि
चारों तरफ से येलो है, और एनडीए में आपने देखा होगा कि येलो कलर जो है बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं और नज़र भी आता है उनके कल्चर के अंदर येलो कलर, ऑरेंज कलर भी नज़र आता है। तो माहौल कुछ इस तरह का इन्होंने बनाया है, तो चारों तरफ तस्वीरें हैं और पाव भाजी मुंबई लिखा हुआ है, बहुत अच्छा सेटअप है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो इसकी सब्ज़ी है, सब्ज़ी के ऊपर जो इन्होंने मक्खन डाला है ना, ओहो ये अलग मज़ा दे रहा है, बेहतरीन मज़ा दे रहा है भैया। अच्छा जी, हम खाने तो आए थे पाव भाजी, पता चला कि बम्बई पाव भाजी वाले ने ही ये खावसा जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है, और ये खावसा ज़ाहिर है गुजराती और इंडियन डिश कह लीजिए आप, यहाँ पर बहुत कम अवेलेबल होती है पाकिस्तान में। तो ये आप देख रहे हैं कि नूडल और ये मुख्तलिफ मसाले इसके अंदर मौजूद हैं, ये करी है, ये ज़रा हम आपको चेक करके फिर बताते हैं क्या सूरत है। बेहतरीन, वे डिफरेंट टेस्ट है, आप समझ लें कि एक तरीके का आप थोड़ा सा लाइट किस्म की आप देखेंगे, जो कड़ी हमारी जो होती है बेसन वाली जो कड़ी होती है उससे मिलता जुलता टेस्ट है, और खाने में जब हम ये खाते हैं तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जो मिले हुए हैं उसका जायका अलग अलग भी फील आप कर सकते हैं। ऊपर से इन्होंने अदरक डाली हुई है, ये नूडल है, और खट्टी मीठी जो है, मीठा तो नहीं है लेकिन खट्टी सी चटनी भी इसके अंदर मौजूद है। डिफरेंट करते हैं टेस्ट है, अच्छी डिश है, आइए यहाँ पर ट्राई कीजिए बेहतरीन। अच्छा, ये जो इसकी सब्ज़ी है, सब्ज़ी के ऊपर जो इन्होंने मक्खन डाला है ना, ओहो ये अलग मज़ा दे रहा है, बेहतरीन मज़ा दे रहा है भैया। सारे पैसे जो है सब्ज़ी के हैं, और उसके ऊपर जो इन्होंने शशका लगाया हुआ है मक्खन का और नींबू प्याज, माशाल्लाह ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिली ट्राई फ्राई पे, और चिली ट्राई फ्राई जो है इसने धूम मचाई हुई है जनाब, इसके जो लावा पिज़्ज़ा है उसने धूम मचाई हुई है, तो उसके ऑनर फहद भाई मौजूद हैं। तो फहद भाई ज़रा बता दीजिए कुछ अपने, माशाल्लाह बहुत ही कम वक्त में आपने जो है, बस आप लोग हो गए, आप लोगों की मोहब्बत है भाई और क्या है, बस ऐसी क्या रेसिपी है कि लोग खींचे चले आ रहे हैं आपके पास। थोड़ा नया आइटम है ना, लोग पसंद करते हैं, कोई नई चीज़ होती है तो लोग पसंद करते हैं, और कराची लोग तो वैसे शौकीन, आपको पता है, तो कहीं भी हो कराची में वो जाते ही हैं खाने के लिए, और माशाल्लाह लोग आ भी रहे काफ़ी दूर दूर से। तो नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं लावा पिज़्ज़ा खाने के लिए, बिल्कुल लावा पिज़्ज़ा रेडी है, तैयार है, तो ये माशाल्लाह इतना ये बह रहा है कि इसको मुश्किल से ही खाया जाएगा, तो ये ज़रा बताते हैं आपको लावा पिज़्ज़ा। बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त, मतलब एक यूनिक आइटम है ये लावा पिज़्ज़ा। मैं सलाम पेश करता हूँ फहद भाई को कि उन्होंने बिल्कुल यूनिक चीज़ें निकाली है, और कराची के लोगों के लिए एक मौका फराहम किया है कि वो आएँ आकर इंजॉय करें, खाएं पिएं, मज़े करें, तो बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। और आप इसकी फिटिंग देखें, ये नीचे आप फिलिंग देखें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग है, इसमें चीज़ है और माशाल्लाह मायोनीज़ और चिकन, ये सारे आइटम इतने ज़बरदस्त हैं कि बहुत ही मज़ा दे रहे हैं, और आप आएंगे तो सिर्फ लाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। बेहतरीन, तो जनाब आपको पसंद आए होंगी यहाँ की खारादर के जो आइटम्स हैं, ख़ासकर पाव भाजी, लावा पिज़्ज़ा, और जनाब ये नारियल का पानी बेहतरीन यहाँ पर मिल रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।